क्विक रिकैप, हम जो 5 दिन पढ़े उसका हम रिकैप कर लेंगे, मतलब उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे क्या क्या पढ़े। तो फर्स्ट डे हम पढ़े थे वर्ब्स पढ़े थे, ओके, फर्स्ट डे जो पढ़े थे हम वर्ब्स पढ़े थे। वर्ब किसको बोलते हैं? अ वर्ब एन एक्शन वर्ड, कोई भी काम, जैसे खेलना है, जाना है, आना है। दिस वॉज सच अ वैस्ट टॉपिक दैट इट टुक अस 3 डेज टू डिस्कस। इतनी बड़ी टॉपिक थी ये कि 3 दिन हम लोग क्या करें उसको पढ़े थे। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 क्लासेस, वॉच क्लासेस 1, 2 एंड 3 टू लर्न दिस होल टॉपिक। ये जो टॉपिक है, एक पिक्चर दिख रही है आपको, एक कंप्लीट टॉपिक 3 क्लासेस में आई आपको। तो जो लोग आज ज्वाइन हुए, जो लोग नए हैं, वो लोग जाके देखिए। अब कई लोग सवाल करेंगे हमको वीडियोस कहाँ मिलते हैं। जो सियासत का जो फेसबुक पेज है, जो ऑफिशियल पेज है, फेसबुक पर जाइए, सियासत डेली टाइप करिए आप, यू विल गेट अ सियासत पेज ओवर देयर, ऑफिशियल पेज, इट हैज़ ए मार्क। वहाँ पेज जाने के बाद क्विक ढूंढने के लिए जो वीडियो सेक्शन जो है, वीडियो का सेक्शन जो है, वहाँ क्लिक करिए। इन दैट सेक्शन यू विल फाइंड ऑल द क्लासेस इंशाल्लाह। और एक बात, वहाँ सिर्फ क्लासेस नहीं है जो हमारे चल रहे, इसके अलावा मेरे और भी वीडियोस है अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइक वर्ब्स के, प्रोवर्ब्स के ऊपर एक है, वो रिकॉर्डेड वीडियोस है, एडवांस्ड एक्सप्रेशंस के, टाइम के एक्सप्रेशंस उसमें, मुहावरे, प्रोवर्ब्स, उसका भी वीडियो वहाँ पर है, और 2-3 वीडियोस है वहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो इन दैट वीडियो सेक्शन ऑफ सियासत फेसबुक ऑफिशियल पेज यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस ऑफ दिस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्लासेस, वहाँ सब देख सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट डे हम ये पढ़े थे, सेकंड डे पढ़े, थर्ड डे पढ़े। सो वॉच क्लास 1, 2 एंड 3 फॉर टू लर्न द एंटायर टॉपिक। सो यहाँ बोलना क्या है कि वर्ब के 3 फॉर्म्स थे, V1, V2, V3। ओके, समटाइम्स फॉर्म एकदम चेंज हो जाता, उसको बोलते हैं हम इररेगुलर वर्ब। समटाइम हम क्या करते हैं, ED ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं हम रेगुलर वर्ब। ओके, वी डिस्कस्ड एवरीथिंग इन डिटेल इन दोस थ्री क्लासेस, गो एंड वॉच देम आफ्टर दिस क्लास। गो एंड गॉन, सी सॉ सीन, वर्क, स्टडीड। आर वी गुड टू गो? चलिए, फिर हम क्या पढ़े, पास्ट फिनिश एक्शन, जो काम मुकम्मल हुआ था उसको कैसा बोलेंगे हम। हम ये पढ़े थे हमारी 4th क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम वर्ब्स पढ़े, 4th में हम ये पढ़े कि कोई काम मुकम्मल होगा तो कैसा बोलेंगे उसको, कैसा बोलेंगे, सब्जेक्ट और V2। अब सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है, अ डूअर ऑफ अ वर्ब, कोई भी काम को करने वाला। समझ में आ, जैसे ही स्लेप्ट, स्लीप सोना है, सोने वाला कौन है, ही है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही स्लेप्ट एट 9 PM, आई वेंट टू मार्केट, तरन्नुम केम टू क्लास, खदीर डिड लंच, शाकिर रेहान रोट अ लेटर। नाम रहता, वर्ब रहता, सब्जेक्ट वर्ब, बीच में कुछ भी नहीं आता, इज वाज आर वर हैव हैज हैड, नथिंग, जस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब का कौन सा फॉर्म बोला मैं, सेकंड फॉर्म V2, सब्जेक्ट V2। ये कौन सी क्लास थी हमारी, ये क्लास नंबर 4 थी, वहां पे कई आपके से क्वेश्चंस भी है, एक्सरसाइजेस है उसके अंदर, बहुत चीजा है, वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। जो कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास, उसमें हम लोग ये पढ़े नेगेटिव कैसा करना सेंटेंस को। तो व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, और वी वन आएगा। व्हाट वाज द रूल, रूल क्या था वो, V1 क्यों आना, V2 क्यों नहीं आना, टू पास्ट इन सिंगल सेंटेंस, वी डू नॉट यूज डबल पास्ट इन सिंगल सेंटेंस। तो डिड क्या है, पास्ट है, किसका पास्ट है, डिड, डू का पास्ट है, तो हम डिड यूज करें, तो डिड आ गया, तो और एक फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म आता, जैसे ही डिड नॉट स्लेप नहीं है, ही डिड नॉट स्लीप एट 9 PM। ये कल की क्लास थी हमारी, क्लास वॉच क्लास 5 टू लर्न दिस होल टॉपिक। ओके, चलिए आज की क्लास अब शुरू कर रहे हैं अपन। तो क्या बोला मैं आपको, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। सो हाउ टू मेक अ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो एक हम एक सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। ये तरीका पढ़ाने का मेरे उस्ताद का है, जनाब हम्माद अलवी सर, चंचलगुड़े पे आपका एक इंस्टीट्यूट है हॉब्स नाम का, वहाँ मैंने बेसिक क्लासेस पढ़ी थी। तो ये तरीका मेरे उस्ताद, जो बेसिक मैंने जो पढ़ा, मेरे जो उस्ताद है हम्माद अलवी सर, उनका तरीका ही है, बहुत आसान तरीका है, बहुत जल्दी हम सीख सकते हैं इससे। तो पहला क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल। इसका नेगेटिव क्या आएंगे बोलिए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। अब सवाल करना है, क्या वो स्कूल गया, क्या वो स्कूल गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो डिड जो है ना, और ये सब्जेक्ट है डिड है, तो दोनों को प्लेस रिप्लेस कर देंगे, स्विच कर देंगे दोनों को, डिड पहले आ जाएगा, ही बाद में आएगा, नॉट ड्रॉप कर दीजिए आप, डिड ही गो टू स्कूल। देखिए आप, डिड ही गो टू स्कूल, क्या उन स्कूल गए थे। अब इसको पकड़ लीजिए, आप कई सवाल बना सकते हैं आप, क्या आप नाश्ता करें तो क्या बोलेंगे, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, हैव मत लाइए, मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आप क्रिकेट खेले, क्या आप फोन खरीदे, क्या आप दिल्ली को गए, क्या आप मुझे बुलाए, क्या आप होमवर्क करे, खत्म। डिड से शुरू करना है, सवाल बना देना है, वेरी इजी। अब और एक क्या है, बात हम सवाल करते नेगेटिव में, आप होमवर्क नहीं करें, आप नाश्ता नहीं करें, सवाल में ना बोल के बोलते हैं हम,
सवाल भी करते ना भी बोलते यूजुअली. अब खदीर में आके बैठ के अभी ही इज डोजिंग इन द क्लासरूम, बैठ के उंगरे बैठ के, ही सीम्स वेरी वीक फीबल एंड फ्रेल, कमज़ोर दिख रहे. तो मैं पूछता हूँ खदीर से, क्या आप नाश्ता नहीं करे? सो हाउ वुड आई एस्क, ये डिड यू, डिड ही है ना, नॉट लगा देना उसके बाद. डिड ही नॉट गो टू स्कूल? डिड ही नॉट गो टू स्कूल? वन मोर वे वी कैन ऑल्सो से डिड नॉट ही गो टू स्कूल, वही बोल सकते हैं हम. डिडंट ही गो टू स्कूल? लेकिन मेरे जो उस्ताद पढ़ाए और जो ज़्यादा देखा मैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड तरीका है, ये तरीका है डिड और नॉट. ओके, बीच में सब्जेक्ट आता है उसके. डिड ही नॉट गो टू स्कूल? क्या उन्होंने स्कूल नहीं गए? चलिए, क्या आप कर रात में नहीं सोए? डिड यू स्लीप? डिड यू नॉट स्लीप लास्ट नाइट? क्या आप आदिल से नहीं मिले? लाउडर, क्लियर. डिड यू नॉट मीट आदिल? डिड यू नॉट ईट ब्रेकफास्ट? आई एम आस्किंग यू बिकॉज योर वॉइस इज सो लो. ओके, स्पीक लाउडर. हाउस यू टेल मी, क्या आप होमवर्क नहीं करे? वेरी गुड. क्या आप क्लास को अटेंड नहीं करे? क्या आप डॉक्टर से नहीं मिले? डिड यू नॉट कंसल्ट अ डॉक्टर? सिंपल इजंट इट? ओके, अब क्या करना है? ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव कल पढ़े थे हम. ये है क्वेश्चन सेंटेंस, इंटरोगेटिव बोलते, क्या बोलते इसको? इंटरोगेटिव. लेकिन इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, ना बोल के नहीं आ रहा इसमें. इंटरोगेटिव पॉजिटिव है, ये क्या है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है क्योंकि नॉट वर्ड आ रहा है इसके अंदर. इंटरोगेटिव पॉजिटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव. अब क्या करना है? बाज वर्ड्स से इंग्लिश में डब्ल्यू एच के वर्ड्स बोलते हैं हम. व्हेन, व्हाई, वेयर, विथ होम, एट व्हाट टाइम, हाउ, विच, व्हाट, ये पूरे क्वेश्चनिंग वर्ड्स है. तो ये लगाना है. इसके वास्ते क्या करना पड़ता है? बहुत आसान है. ये जो थर्ड सेंटेंस है ना, इसको फॉलो करना अपन. अब देखिए इसको आप. व्हेन डिड ही गो टू स्कूल? उन्होंने स्कूल कब गए थे? अब मैं क्या करा, ये जो सेंटेंस थर्ड वाला है, डिड ही गो टू स्कूल, सेम कॉपी कर दिया यहाँ पे. डिड ही गो टू स्कूल, कलर सेम रखा उसका मैं. दैट इज वाई आई कैप्ट द कलर सेम ऑफ थर्ड सेंटेंस एंड फिफ्थ सेंटेंस. दिख रहा आपको? डिड ही गो टू स्कूल, सेम कलर थर्ड वाला, मतलब सेम सेंटेंस है वो. शुरू में क्या ऐड करा मैं? व्हेन ऐड करा. क्या मतलब उसका? आप स्कूल कब गए? अब देखिए कितना सिंपल इंग्लिश. आप स्कूल कब गए? व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, वो स्कूल कब गया? वो स्कूल क्यों गया? व्हाई डिड ही गो टू स्कूल? वो स्कूल कैसे गया? हाउ डिड ही गो टू स्कूल? वो स्कूल कहाँ गया? वेयर डिड ही गो टू स्कूल? वो जो शुरू का व्हेन है ना, इसको चेंज करना आप. यू कीप चेंजिंग द फर्स्ट वर्ड. व्हेन, व्हाई, वेयर, विथ होम, एट व्हाट टाइम, हाउ. ओके, ये वर्ड्स चेंज करते ना, सेम सेंटेंस रहता आपका. समीर, वो स्कूल क्यों गया? क्यों मतलब वाई, क्यों मतलब वाई, वाई बोल के बाकी पूरा सेम बोलिए. ये जो थर्ड है इसको याद करना अपन. डिड ही गो टू स्कूल, वाई लगा दीजिए आप. वाई डिड ही गो टू स्कूल? हाजिरा, वो स्कूल कहाँ गया? शाकिर रहान, वो स्कूल कब गया? हाउस, वो स्कूल किसके साथ गया? विथ होम डिड ही गो टू स्कूल? सिंपल इजंट इट? अब क्या करना है? लास्ट सेंटेंस है हमारा. जो पर्पल दिख रहा कलर आपको, वो वाला कॉपी करना है नीचे. अब देखिए, Why did he go to school? Why did he not? Oh my God! Again, typing mistake. Okay, I beg your pardon. ये not भी आना था इसके अंदर. I missed it. Okay, तो पढ़ सकते हैं. Why did he go to school? वो school क्यों गया? Now all of you louder and clearer after me. He went to school. He went to school. He did not go to school. He did not go to school. Did he go to school? He did go to school. Did he not go to school? He did not go to school. When did he go to school? When did he go to school? Why did he go to school? ये चीज़ क्या है मालूम? हम पढ़ लेते, समझ जाते, लेकिन at the time of speaking, we cannot speak the correct sentence. For that, we need to, क्या करना है इसको? Memorize it. We need to cram it. इसको रटना है हमको. So that when we speak it, we should speak unconscious, with unconscious mind. At least subconscious mind से बोलना हम. बगैर सोचे, जबान से निकलना. उसके लिए repeat करना पड़ता. ये concept देख के समझने का नहीं है, ये बोलने का है ना भाई. तो बोलने के लिए, समझने के बाद रटना उसको. 10-15 बार लिखना, रटना, तो उससे क्या होता है? एट द टाइम ऑफ फ्री स्पीच, जब आप बात करते, रियल टाइम स्पीच जो होती है आपकी, दैट टाइम यू डू नॉट मेक मिस्टेक. वो टाइम गलती नहीं निकलती. यूजुअली होता क्या, आप शाकिर रेहान पढ़ लिया भाई, व्हेन डिड ही गो टू स्कूल पढ़ लिया शाकिर रेहान, आप स्कूल कब गए थे बोल के. अच्छा, रियल टाइम बात करते बैठ के, तो वो टाइम क्या बोलते? व्हेन ही वेंट टू स्कूल बोलते हैं. व्हेन ही वेंट टू स्कूल, वहां गड़बड़ आती है वहां पे, समझे? तो वो टाइम सही बोलने के लिए रिपीट करना पड़ता. Once again, all of you repeat after me. He went to school. He went to school. He did not go to school. He did not go to school. Did he go to school? He did not go to school. Did he not go to school? He did not go to school. When did he go to school? When did he go to school?
Why did he go to school? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस. दस मिस्टेक. शी रोट होमवर्क. शी रोट होमवर्क. वो बच्ची होमवर्क करिए अपना. होमवर्क नहीं करिए बोलना है. शी या शी डिड नॉट राइट होमवर्क. अब सवाल करना है. ओके हिना यू टेल मी. हिना यू टेल मी अलोन लाउडली लाउडली. वेट वेट लेट मी स्पीक इन उर्दू. क्या वो होमवर्क करी? ओके यस. डिड शी राइट होमवर्क? क्या वो होमवर्क करी? हाजरा क्या वो होमवर्क नहीं करी? डिड शी नॉट राइट होमवर्क? ओके नाउ अब पूछना है होमवर्क कब करी बोलना है. वेन लगा के. शाकिर रेहान कैन यू टेल मी द आंसर. वो होमवर्क कब करी? When did she write homework? When did she write homework? Okay. चलिए गौस. वो होमवर्क क्यों नहीं करी? Why did she not write homework? Very easy, isn't it? First तो हम पढ़े फोर्थ क्लास में पढ़ लिए. हम यही पढ़े थे. हम फिफ्थ क्लास में पढ़ लिए थे. आज ही हम ये पढ़े. इसी को फॉलो कर तो पूरे आपको आए थे. You can see the coloring here. It will help you enormously to understand this topic. ये समझने के लिए बहुत आसानी होती है अगर आप कलर्स फॉलो करें. थर्ड कलर जो है यहाँ आता. हो ये वाला यहाँ आता. चलिए मूव ऑन. एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट आई टेक यू थ्रू मेनी एग्जांपल्स बिकॉज एग्जांपल हेल्प्स अस कॉम्प्रिहेंड द कंप्लीट टॉपिक. पूरी टॉपिक समझने के लिए एग्जांपल्स बहुत ही मददगार है, बहुत फायदेमंद है. ओके चलिए नेक्स्ट. यू एट नूडल्स. यू एट नूडल्स. आप नूडल्स खाए. ओके नाउ I want Ghaus to speak loudly all six. You can take your time also. ये जो छः है ना पूरे जोर से बोलिए आप. पॉजिटिव नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव पॉजिटिव विथ क्वेश्चनिंग वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव विथ क्वेश्चनिंग वर्ड. इफ नेम्स है उसके. यू नीड नॉट मेमोराइज ऑल द नेम्स. नेम्स याद करने की जरूरत नहीं है आपको. खाली सेंटेंसेस बोलिए आप. स्टार्ट लाउडली. Why did you not eat noodles? Very good. Again, would you speak it louder? You ate noodles. You did not eat noodles. Did you eat noodles? Did you not eat noodles? Why did you eat noodles? Why did you not eat noodles? Very good. Okay. You ate noodles. You did not eat noodles. Did you eat noodles? Did you not eat noodles? When did you eat noodles? And why did you not eat noodles? Okay. Easy, isn't it? Chaliye aage. नेक्स्ट. अनस सर टॉट यू इंग्लिश. जो मेरे उस्ताद है अनस सर जो स्किल फट में IELTS की ट्रेनिंग देते हैं. जो मेरे को बोला मेरे जो मेंटर है अनस सर आपको इंग्लिश पढ़ाए. अनस सर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाए तो कहता बोलेंगे अनस सर डिड नॉट टीच इंग्लिश. सवाल करना है क्या अनस सर आपको इंग्लिश पढ़ाए? डिड अनस सर टीच इंग्लिश? क्या आपको अनस सर इंग्लिश नहीं पढ़ाए? Did Anas sir not teach you English? Anas sir, आपको English कब पढ़ाए? When did Anas sir teach you English? आपको Anas sir English क्यों नहीं पढ़ाए? When did Anas sir teach you English? Why did Anas sir not teach you English? Okay? Shall I move on? Yes. Next. Adil. पैसों की बात बोलो तो आदिल आते कैसा भी. कभी लेने में कभी चुराने में. Okay? Adil gave him 100 rupees. आदिल उनको 100 रुपए दिए. अब बोलिए आदिल उनको 100 रुपए नहीं दिए. आदिल डिड नॉट गिव हिम 100 रुपीज. हैव दे बीन गिविंग आंसर्स? ओके वेरी गुड. आई होप अवर ऑनलाइन स्टूडेंट जो है वो भी जब मैं सवाल कर रहा हूँ यू हैव टाइम टू राइट योर आंसर्स. ओके आई एम नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेइंग द आंसर्स हियर. आई एम गिविंग यू 10-15 सेकेंड्स टाइम. तो 10-15 सेकेंड्स में आप लोग आंसर्स को लिखिए वहाँ पे. ओके इसके बाद और एग्जांपल है देन वी विल मूव ऑन फॉर समथिंग एल्स. क्या आदिल उनको 100 रुपए दिए? डिड आदिल गिव हिम 100 रुपीज? क्या आदिल उनको 100 रुपए नहीं दिए? डिड आदिल नॉट गिव हिम 100 रुपीज? ये तो हो गया. अब क्या है आदिल उनको कब दिए 100 रुपीज? व्हेन डिड आदिल गिव हिम 100 रुपीज? फिर सवाल ये है आदिल उनको 100 रुपीज क्यों नहीं दिए? Why did Adil not give him 100 rupees? Why did Adil not give him 100?